हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और आप लोग के साथ कुछ नई चीज़ें शेयर करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ मूली का अचार शेयर करने वाली हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं यहाँ पे आई थी मम्मी वाले रूम में अपने। अभी हमारी मिटिया रानी वहाँ पे सो रही हैं। कहाँ सो रही हैं देख सकते हैं आप लोग। अब हमारे यहाँ जो है ठंडी पड़ना शुरू हो गया है गांव में। मिट्टी कहाँ हो आप? ये हैं, ये सो रही हैं। जानवी, ए बिट्टी उठ जाओ। बोलती हो ना मम्मी जब उठो तब मुझे उठा दो। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग शुरू कर लेते हैं और आप लोग के साथ जो है आज मैं जो है मूली का अचार शेयर करूंगी। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से हमारा वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद, क्योंकि सुबह का टाइम है और हम चल रहे हैं किचन में। सबसे पहले बनाएंगे ब्लैक टी और बच्चों का जो है आज पेपर है तो उन लोगों के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। और आप लोग देख सकते हैं टाइम भी हो गया है, 6:05 हो गए हैं और 7:30 के आसपास से लोग निकल जाते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे साथ किचन में है। देख सकते हैं आप लोग हम आ गए हैं किचन में, तो चल रहे हैं खाने की तैयारी करने। ठीक है, सो गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पे रखूँगी लाइट। तो लाइट की प्रॉब्लम है तो आप लोग इग्नोर करना। ब्लैक टी हम 3 लोग के लिए ही रखेंगे, अपने लिए और पापा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि हम ही लोग जो है ब्लैक टी पीते हैं सुबह के टाइम। और आप लोग का ध्यान जरूर मेरे कान पे गया होगा। तो दोस्तों मेरा जो कान है ना दर्द कर रहा था, तो इसलिए जो है कान की बाली जो होती है मैंने उसको निकाल दिया है। अब ऐसा ही हो जाएगा ना तब फिर पहनेंगे। जल्दबाजी रहती है ना तो सारे काम जो है जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। आज बच्चों का कपड़ा भी धुलना है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं गाइस। अब सोच रहे हैं कि खाना बना ले फिर उसके बाद बच्चों का कपड़ा धुलेंगे, धुल के जो है डाल देंगे, सूख जाएगा। और हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगी है तो सुबह के टाइम तो बहुत ठंडी लगती है, दोपहर में धूप निकलता है, लेकिन हाँ कभी कभी धूप भी कड़क हो जाता है और कभी कभी धूप हल्का रहता है, लेकिन ठंडी तो शुरू हो ही गई है। हमें लग रहा है दीपावली तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दीपावली कितना दिन है ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, नज़दीक आ गई है। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कल जो है बनाई थी रबड़ी, ये देखो आधा जो है ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है। तो मैं कल बनाई थी रबड़ी दूध वाली, बनाते हो कि नहीं आप लोग? हमें बहुत पसंद है, हमारे बच्चे नहीं खाए, बोले मम्मी क्या बना दी हो। उनको ना मलाई लग रही थी, मैंने कहा बेटा ये रबड़ी है, तो बोले कि अब तुम बनाई हो मम्मी अब तुम खा लो। मैंने कहा मैं तो खाती हूँ भैया। आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। और जो कद्दू है ये देख सकते हैं बहुत मुलायम है दोस्तों, बहुत मुलायम है। हमको इसको काटने में ना बहुत अच्छा लगता है, कद्दू जब मुलायम रहता है तो उसको काटने में अच्छा लगता है। ये देखो पक भी गए हैं। एक तो पापा ला देते हैं ना बड़े, ये नहीं कि छोटा ही, थोड़ा ही लाएँ, छोटा सा लाएँ। जब भी लाएंगे कोई भी सामान तो बड़ा बड़ा लेके चले जाएंगे।
और आपको पता ही है जल्दी खपत नहीं होती। देखो आज बनाएंगे कद्दू और आलू की टमाटेदार सब्जी, मसालेदार सब्जी। चलो मिलते हैं बाद में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है रोटी बना रहे हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है ना, मैंने आपको बताया था। और इसके बाद पापा जी आ गए, उनको ब्लैक टी देना है। सुबह का टाइम है तो सारे काम को जो है मैनेज करना पड़ता है और सबको देखना पड़ता है कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी रोटी बन के तैयार हो गई है। चलिए फटाफट जो है इसे टिफ़िन में पैक कर देते हैं। कद्दू की सब्ज़ी और रोटी मैंने बनाई हुई है, बच्चों को टिफ़िन में यही देंगे। हमारा बेटा जो है बहुत अच्छे से खाता है, उसे पसंद है कद्दू की सब्ज़ी, बिट्टी भी खाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और बच्चों को तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। तो इन लोगों को तैयार करके स्कूल भेजेंगे, फिर उसके बाद हम जाएँगे किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आज बनाऊंगी मूली का अचार। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लहसुन है और राई का तेल था, उसमें हम जो है मूली को कट करके, हरी मिर्च को कट करके डाल दिए हैं। अब जो जब ये भफ जाएगा तो इसे हम उतार लेंगे। इसमें हल्का सा मसाला और स्वाद अनुसार नमक और लहसुन का पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया था और इसे हम अच्छे से चला देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मूली का अचार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप इस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। खाना हमने बना लिया है और टाइम भी हो गया है, 11 बज गए हैं, दोपहर के 11 बज गए हैं। अभी कोई खाया नहीं, मम्मी इसमें बोली कि जा रहे हैं मम्मी कपड़ा धुलने, जब खाना खाना हो तो मुझे बुला लेना। मम्मी बोली ठीक है जाओ धुलो, जब खाना खाएंगे तो बुला लेंगे। तो चलिए फाइनली दोस्तों हम चल रहे हैं देखिए अपना कपड़ा धुलने। देख सकते हैं कपड़ा बहुत सारा है और इनके पापा भी आ गए हैं ना इलाहाबाद से। हमारे घर में बहुत बड़ा काम हो रहा है, यानी हमारा घर बन रहा है, तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं। तो चल रहे हैं दोस्तों कपड़ा धोने। आप पीछे देख सकते हैं आप लोग, हम आ गए हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने पुराने वाले बाथरूम में। ये देखिए गाइस हमने इसमें सर्फ डाल दिया है निरमा और चल रहे हैं कपड़ा सारा भिगोएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट कपड़ा धुल लेते हैं, क्योंकि धूप हुई है ना तो धुल लेंगे और धूप में डाल देंगे, अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो गाइस हमारे कपड़े सूख गए हैं, अब इसे हम उतार लेंगे और उतारने के बाद लेके चलेंगे नीचे बेडरूम में अपने, और इसे फोल्ड भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30। तो जो छत पे मैंने कपड़ा वगैरह डाला था ये सूख गए हैं, कुछ सूखे हैं कुछ गीले हैं। तो लेके आ गई नीचे फोल्ड करने के लिए। रात के बज रहे हैं कितने बेटा? रात के कितने बज रहे हैं? 3। रात को बज रहे हैं 10:30। कुछ 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 दोस्तों यहाँ पे देखो हम अपने पति से बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप ब्लॉग में कभी नहीं आते हो, तो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं रहता ना, तो इसलिए ब्लॉग में नहीं आ पाता हूँ। ये देखिए गाइस हमारी बिटिया के लिए इनके पापा क्या लाए हैं। क्या क्या है? नमकीन बिस्किट ले लो, जो खाना है ले लो। चलो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, बहुत ही जल्दी आपकी आराध्या भाभी फिर मुलाकात करेंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।